यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंडा मेरा पूरा एकदम तैयार है। जस्ट ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर अंडा बना है। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी शाम हो चुका है और आज जो देखो क्या बन रहा है। ये क्या है? ये नमकीन है, सेवड़ा नमकीन है जिसको बोलते हैं। 1 किलो मैदा मंगाया है। अपने हस्बैंड से पूछे कह रहे क्या होगा, हम क्या नमकीन छानेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा डब्बा भर गया था। ये इतना है और इतना थाली में ठंडा होने रखे हैं। बाकी इधर सबके लिए कटोरा में निकाले हैं। देखिए इधर चाय, बड़ी बड़ी गिलास से चाय निकाले हैं पूरा भर भर के। और नमकीन भाई जो है थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो गया, तो खाने में काफी अच्छा लग रहा है वैसे। ये दोस्तों ये ठंडा हो गया है, तो अभी चलना इसके अंदर डब्बा के अंदर भर देते हैं, ताकि जब भी चाय बनेगा इसके साथ अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पर देखो वही रिफाइन में पूरा छाना गया है, लगभग आधा लीटर रिफाइन लगा है और 1 किलो मैदा। लेकिन दुकान पे जाओ खरीदे तो उतना सही नहीं रहता है, इसलिए हम लोग घर पे ये बना लिए हैं। और ये हो गया पैक और इसको रख देते हैं यहाँ पे, अब जिसको दिल करेगा वो खाएगा। बाकी उधर मनीषा बहन देखिए उसी टाइम से मांग रही है भाभी हमको दीजिए, भाभी हमको दीजिए, लेकिन हम बोले चाय बन जाएगा तब देंगे। तो हमारा चाय और नमकीन है, तो चलो लेके चलते हैं खाने। तो दोस्तों ये देखिए मस्त एकदम चाय और नमकीन रेडी हो गया है और अपने हस्बैंड जी को दे दिए। और अभी हम लोग चलते हैं खाने, क्योंकि शाम का समय है, लगभग 5:30 हो रहा, अंधेरा हो चुका है। दोस्तों ये देखिए मनीषा बहनी सृष्टि बहनी बोले घूम रही है और हंस रही है। क्या हंस रही है जी बताइए, क्यों हंस रही है? इधर देखिए लाडो मस्त से एकदम बैठी हुई इंतजार कर रही है। किसका इंतजार कर रही हो लाडो, आए बोलो। और इधर देखिए कार्टून देख रहे हैं, बड़े वाले बाबू मेरे हैं, कार्टून देख रहे हैं। स्टैंड अप हो को लाडो, स्टैंड अप हो को। हाँ लाडो स्टैंड अप हो गई, होको स्टैंड अप हो को। हाँ दोस्तों ये देखिए लाडो स्टैंड अप हो गई, बाय करो बेटा, बाय बाय। दोस्तों अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हम रोटी बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा बना दिए हैं और साथ में इधर चावल है प्रेशर में। और आज बनाने वाले खाने में अंडा और रोटी और चावल। यहाँ पे देखिए प्याज मसाला जीरा सब रेडी करके रखे हैं। अभी ऊपर जाएंगे तो सिर्फ रोटी चावल बना नीचे बना लेते हैं, क्योंकि अकेले ऊपर बनाते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए नीचे ही रोटी चावल बना लेते हैं। और अभी जाएंगे ऊपर अंडा बनाएंगे। और इधर हमारे हस्बैंड वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए इधर देखिए ओम बाबू क्या खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। ये देखिए अंडा खा रहे हैं कटोरी में लेके, मनीषा बहनी अंडा खिला रही है। और इधर लाडो, लाडो भी अंडा खा रही है। लाडो भी मेरी अंडा खा रही है। बाय फ्लाइंग किस करो बेटा। दोस्तों देखिए फ्लाइंग किस दे रही है, इसका स्टाइल यही है फ्लाइंग किस देने का। ये गाना गाते हैं लेला पुदीना मोटू के, अब यही समझते हैं लेला पुदीना मोटू का अर्थ क्या होता है। क्या होता है बताओ बेटा, बता दो। लाडो का कार लाडो का इधर फेंका पड़ा हुआ है, लाडो का भी मन भर गया है इसलिए यहाँ पे फेंकी पड़ी है। देखिए तो दोस्तों ये है अंडा और अभी लेकर चल रहे हैं ऊपर। और ये सारा सामान है साथ में, वो मनीषा बनी आ रही है लाडो को लेके। ऊपर आ गए किचन में और देखिए यहाँ पे दोस्तों अंडा यहाँ पे पूरा तल के रख दिए। और इधर हमारा तेल भी गर्म है, इसी में हम मतलब तले हैं और राइस कुकर में ही हमारा अंडा बनेगा। आए थे ऊपर तो लाडू मेरे साथ आ गई ऊपर किचन में। यहाँ देखिए ऐसे झांक रही है, चलो आओ स्टैंड ऐसे आओ, दीवार छोड़ के आओ। हाँ दीवार छोड़ के आओ। तो दोस्तों ये देखिए मेरी लाडो चल रही है, आ जाओ। हाँ आओ आओ आओ। अच्छा वो पकड़ के नहीं बेटा, इधर आओ, उठो 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 उठो। तो लाडो ऊपर आती है तो बहुत ज़्यादा खेलती है और अभी देखिए मेरी लाडो एकदम फाइनली अच्छे से चलने लगी। और ये जब भी ऊपर आती है ना तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, इसको छोड़ देते हैं ऊपर ही खेलती है। देखिए दोस्तों आ खेल रही लाडो। भाई ये देखिए दोनों भाई और बहन कितने खुश हैं ऊपर जाने के लिए। और ये देखिए तो एक लाडो के लिए देसी जुगाड़ लगा है, जो कि इस खिड़की से लेकर साड़ी बांधा गया, इसमें लाडो झूला झूल रही है। ये देखिए और इनकी बुआ झूला रही हैं, खोलिए। एक मिनट रुकिए, अच्छा देखिए कितना खुश है ये, पहले झूला झूल रही है तो आ जाओ फिर से। कैसे झूला झूल रही है? अच्छा झूलो, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए लाडो खूब मस्त से देखिए झूला झूल रही है, वो भी देसी जुगाड़ है ये। खोलिए 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 लाडो को दिखाइए। क्या है बेटा झूला झूल रहा है वो? दोस्तों इधर देखिए ओम बाबू हैं और लाडो खूब मस्त ऐसे हम लोग झूला झूला रहे हैं, खूब अच्छे से झूल रही है, लेकिन ये गिर भी सकती है अगर हम लोग छोड़ देंगे तो। ये देखिए लाडो झूल चुकी है, अब ओम बाबू झूल रहे हैं। लाडो देखिए नीचे है इनके और ओम बाबू झूल रहे हैं अच्छे से एकदम। दोस्तों हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंडा मेरा पूरा एकदम तैयार है।
ये देखिए गरम अभी तुरंत बना है जस्ट। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर अंडा बना है। तो दोस्तों अभी इसको लेके चलते हैं हॉल में, क्योंकि सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं खाना। तो इसको ऐसे ही लेके चलना है, ढक्कन वहाँ रख दिए साइड में। तो भाई अभी खाना वगैरह बन चुका है और आ गए हैं ऊपर खाना खाने के लिए छत पे। और यहाँ पर देखो हमारा खाना है रोटी और यहाँ पर दो अंडा, और सामने सबका थाली भी निकल चुका है और लाडू भी बैठ गई है साथ में खाने को। लाडू सिर्फ चावल खाती है। चलो खाते हैं अभी। तो भाई आज है इस ब्लॉग का दूसरा दिन और अभी दोपहर के 2 बज गए हैं। और यहाँ पर जो आपको गाड़ी दिखाई दे रहा है ना भाई, ये बहुत दिन से जो है धुलाई नहीं किया हूँ, मेरे ख्याल से 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो अभी मैं सोचा हूँ कि इसको धुलाई करते हैं पूरा अंदर और बाहर से, ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है, नहीं तो पूरे दिन जो है टाइम नहीं मिल पाता है, अपने काम से बिजी रहता हूँ हमेशा। तो यहाँ पर जो है अभी इसको धुलाई करूँगा और धुला के अंदर बाहर से पोंछ के और पूरा फिर गाड़ी को फ्रेश जो है वो लगा देना है। चलो अभी तैयारी करते हैं धुलाई करने के लिए। तो भाई ये आ गया टब और इसके अंदर ये है शैम्पू। तो भाई गाड़ी जो है ना यहाँ पे, अभी गाड़ी को थोड़ा सा इस साइड करके और यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि वहाँ पाइप लगा के और पाइप से जो है पूरा धुलाई करेंगे। थोड़ा सा और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। भाई गाड़ी जो है अभी थोड़ा सा आगे कर दिया हूँ यहाँ पर, और पाइप लगा के अभी धुलाई स्टार्ट करेंगे। और भाई अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, देखो कितना कचरा है। इस साइड भी दिखाते हैं, देखो ये पूरा पूरा कचरा ही है पूरा। अब सब निकाल के पूरा साफ़ करेंगे बढ़िया से और सफाई कर लेंगे तो सही रहेगा। तो भाई गाड़ी तो भाई पूरा तैयार हो चुका है धुलाई पे लगने के लिए। और अभी देखो वहाँ चटाई, गाड़ी के अंदर से चटाई अभी प्रेम जो है निकाल रहा है। भाई हमको लग रहा है 2-3 महीने से ऊपर हो गया है धुलाई किए हुए गाड़ी का, तो वही सोचे हैं कि चलो धो ही देते हैं, आज टाइम वैसे था। और मौसम भी काफ़ी सही है, अभी देखो धूप जो है यहाँ पर है। और दोपहर के भाई अभी 2:30 बजने वाले हैं और मौसम भी काफ़ी अभी सही है। शाम होते होते हो सकता है गाड़ी धुलाई कंप्लीट हो जाएगा। और देखो चटाई धीरे धीरे जो है निकल रहा है, अंदर से भी साफ़ करना है बाहर से भी साफ़ करना है। चलो भाई अभी लगते हैं धुलाई के लिए, और टाइम अभी नहीं मिल पाएगा कि ब्लॉग शूट कर पाएंगे। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग कल मिलेगा आपको। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।